जेनेटिक्स पढ़ा है। यस। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाला चैप्टर ये है। अच्छा, तो सब कुछ आसान रहा है? जनरली बताइएगा, आपने 12th में जब जेनेटिक्स पढ़ी थी तो उस वक्त आपको कितना आसान लगा था, कितना मुश्किल लगा, टफ लगा था या आसान लगा? भाई मैं सवाल नहीं पूछने वाला, तुम आसान कहोगे तभी नहीं पूछूंगा, टफ कहोगे तभी सर टाइम मैं मैं पहले पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? बट हाँ, अब मैं तुम्हें बताऊं कि मॉलिकुलर इज इजियर देन द प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन, कहीं ज्यादा इजियर है मॉलिकुलर जो है, ठीक है? तो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का जो टॉपिक हमारा है क्लास 12th का है, ये पहले आपको थोड़ा बेसिक दिखाऊंगा बताऊंगा, ठीक है? कल बायोलॉजी का ये है आपका जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जेनेटिक्स एंड रिवोल्यूशन का ये टॉपिक, और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद आपका आएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड देन फाइनली हम लोग इसके बारे में बात करेंगे वो होगा हमारा इवोल्यूशन। इस यूनिट में ये तीन बातें हम लोगों को पढ़नी और ये तीनों का जो आधार है, तीनों का जो बेस है वो आपका आता है सेल डिवीजन, दैट इज द मियोसिस। सेल डिवीजन में कौन सा टॉपिक है? मियोसिस का टॉपिक। मियोसिस के टॉपिक में आपने पढ़ा था कि मियोसिस में क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, एंड ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन देयर विल बी द क्रॉसिंग ओवर, एंड ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर आप जानते हैं क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन। और ये जो वेरिएशन था हमारा, वेरिएशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है? तो डार्विन ने कहा कि दो इंडिविजुअल कभी एक जैसे नहीं होते। हम आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, मोहिनी है, ठीक है, और अंकुश है, नेहा, स्नेहा, ठीक है, और हम पिछली मैं, ठीक है, हम सब कभी एक जैसे नहीं, ठीक है? Not two individuals are alike. Even जो siblings हमारे होते हैं, हमारे भाई बहन है, ठीक है, भाई भाई है, चचेरा भाई है, चचेरी बहन है, ममेरा भाई है, ममेरी बहन, कभी एक जैसे नहीं, ठीक है? हाँ, शक्ल थोड़ी सी मिलती है, बिहेवियर थोड़ा सा मिल सकता है, ठीक है? हम फला लड़के को देख करके बता सकते हैं, हाँ ये जो है शर्मा जी का लड़का है, हाँ हम जो है उस लड़की को देख के बता सकते हैं, अच्छा 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 ये जो है शर्मा जी की बिटिया है, बिल्कुल अपनी जो है मम्मी पर गई है। मम्मी पर जाने का मतलब ये होता है मम्मी जैसी दिखना, लेकिन मम्मी जैसा एग्जैक्ट कैरेक्टर, एग्जैक्ट कॉपी हमें नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अंदर वेरिएशन है, और वेरिएशन कहाँ से आया है? वो हमारे मियोसिस की वजह से आया है, जो कि गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान हुआ था, ठीक? तो ये जो बात है आपकी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, तो जब भी कभी हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो जेनेटिक्स को हम कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड द वेरिएशन। ये सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है? तो डेफिनेशन क्या हमने कहा कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड द वेरिएशन अब इसी दो सेंटेंस में पूरी की पूरी जेनेटिक्स जो है क्या होती है, निहित है, इसी में जो है इंक्लूड है,
हमको समझना होगा हेरिडिटी क्या है, हमें समझना होगा क्या है वेरिएशन, में क्या है वेरिएशन। तो ये जो जेनेटिक्स वर्ड है, ये जेनेटिक्स वर्ड डराइव हुआ है कहाँ से, जीन से। कहाँ से डराइव हुआ बेटा, जीन से डराइव हुआ है। और ये जो जेनेटिक टर्म है इसको हमारे किसने दिया था बेटा, बेटसन ने दिया था 1905। ठीक, कुछ इतिहास के पन्नों की तरफ हम थोड़ा सा जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को हल्का सा खुले देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, वो एक्चुअल में वो क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे। और उन्होंने फर्स्ट टाइम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बेसिस पर मैथमेटिक्स को यूज किया, और यूज करने के बाद यहाँ पर जेनेटिक्स को एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के तौर पर दिखाया, और जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मील का पत्थर था। और सारे साइंटिस्ट हैरान ये थे कि भाई ऐसा क्यों है। अच्छा, उस वक्त इनके जो है कामों पर चर्चा इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उस वक्त जो है डार्विन साहब का वर्चस्व बहुत ज्यादा था। डार्विन का जो ख्याति थी, डार्विन का जो फेम था, वो अपने पीक पर था। और इनकी जो बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वो बहुत ज्यादा जो है चर्चा में थी, क्योंकि बाइबल के बाद उस वक्त जो सबसे ज्यादा बुक पढ़ी जा रही थी, सबसे ज्यादा जो पब्लिश हो रही थी चर्चा में थी, वो थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो बाइबल में लिखा हुआ है कि पूरी पृथ्वी जो है पूरा ब्रह्मांड 6 दिन में बन गया, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बल्कि हम जो पैदा हुए, हम जो बने हैं, वो सब हमारे एंसेस्टर्स की वजह से बने हैं, हम पहले बंदर से बाद में हम इंसान बने, तमाम बातें डार्विन ने कही। तो वो एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण था भाई, जैसे कि नॉर्मल सब लोग रह रहे हैं और कोई कह रहे भाई फला गांव में एक बच्चा पैदा हुआ जिसके 3 टांगे हैं और एक पूंछ है, तो आदमी अपना सारा काम छोड़ेगा और उसकी तरफ भागेगा देखने के आखिर ऐसा जो चमत्कार हुआ कैसे। तो वैसा ही था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डार्विन का आना, ये सब उसी तरीके से जैसे अचंभा हो गया हो। और उस फेम में हमारे जो मेंडल साहब का जो ये था, सारी जो खोज थी, सारे जो कैलकुलेशन थे, वो सब कहीं दबके रहे। कितने सालों के बाद फिर 3 साइंटिस्टों ने अलग अलग काम किया, और उसके बाद जो है उनको रीमेंडलिज्म बताया, और मेंडल के नियमों को जो है, मेंडल से जो नियम नहीं थे एक्चुअल में, मेंडल की जो हाइपोथेसिस थी, ठीक है, उस हाइपोथेसिस को नियम के फॉर्म में उन्होंने दिया, जो पॉस्टुलेट मेंडल थे उसको नियम के फॉर्म में दिया। और फिर उन्होंने कहा मेंडल के लॉज ऑफ मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में उन्होंने बताया, लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताया, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया। एक्चुअल में 2 ही लॉ जो है डोमिनेंस और लॉ ऑफ क्या था, सेग्रीगेशन था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसी से निकला हुआ एक अलग नियम था, ये बात आप याद रखिए, ठीक है। तो वो 3 साइंटिस्ट कौन से भाई थे, ह्यूगो डी व्रीज थे, कार्ल फॉरन थे, और एरिक वॉन श्मान। ये 3 साइंटिस्ट थे जो तीनों ने, अच्छा तीनों के बीच में तालमेल नहीं था, तीनों ने अलग अलग काम किया, लेकिन जो काम किया उससे जो रिजल्ट निकले थे वो रिजल्ट क्या थे, बिल्कुल मेंडल से रिजल्ट थे, बिल्कुल हूबहू जैसे थे। और फिर उन्होंने कहा कि ओहो ये तो हमारे भी बाप निकले, ये तो इन्होंने आज से जो है करीब लगभग 100 साल बाद हुआ था, 100 साल पहले इन्होंने सारी जो है खोज करके दे दी थी और हमें पता ही नहीं। तो ये चीजें थी। तो यहाँ पर पहला हमने देख लिया कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड द वेरिएशन इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज कॉल्ड द जेनेटिक। ये दोनों हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। थोड़ी सी आपको यहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ने में पेशेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बिना पेशेंस के ये चैप्टर आपसे कभी जिंदगी में क्लियर नहीं होने वाला है, क्योंकि आप वेरिएशन पढ़ने जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में होती है प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि जहां पर कैलकुलेशन वाली बात आ जाती है, जहां पर जेनेटिक्स को इवोल्यूशन के साथ जोड़ देता है, जहां पर मॉलिकुलर बायोलॉजी को बायोटेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देता है, जहां पर बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स और पूरा अप्लाइड बायोलॉजी जो है उसे मिला के जब पूछता है तो हमारा दिमाग चक्कर दिल्ली की तरफ घूमने लगता है कि भाई अब इसका आंसर क्या होगा। जैसे कल तुम्हारे जो क्वेश्चन थे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, बड़े सिली सिली से क्वेश्चन थे, ठीक है, कंसेप्चुअल था, अभी क्लास खत्म हुई तो मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। तो हमने कहा कि बेटा ये जो आपका जेनेटिक वर्ड है, जेनेटिक वर्ड डिराइव हुआ है कहाँ से बेटा, जीन से। चलिए थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग जेनेटिक वर्ड में, ये वर्ड डिराइव हुआ है कहाँ से बेटा, ये वर्ड डिराइव हुआ है आपका जीन में,
ठीक है, एंड वी नो वेरी वेल व्हाट इज द जीन. जीन इज द सेगमेंट ऑफ द डीएनए विच कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. जीन डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है जिसके अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सारी इंफॉर्मेशन लेकर के जाए. बड़ी सिंपल सी बात. आगे हम बताएंगे कि जीन मैपिंग क्या होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, किस तरीके से जो है जीन बैंक बनाया जा रहा है, जो कि अभी कहाँ पर बना, स्विट्जरलैंड में बना है ना, है ना, स्विट्जरलैंड में जीन बैंक बना हुआ है. अच्छा, जीन बैंक बनाने का तरीका ये होता है कि कोई भी इंसान से लावारिस नहीं रहेगा. अगर इवन जैसे मान लीजिए कि अगर कोई इंडिविजुअल कहीं पर जो है किसी की डेथ हो गई, किसी का मर्डर हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड वगैरह नहीं है, तो क्या होगा कि उसका डीएनए सैंपल लिया जाएगा और जीन बैंक में जाएंगे, भाई पता करेंगे भाई इसके डीएनए किस पर्सन का है. पता ही चलता है कि अच्छा सही जो जो आदमी की डेथ हुई है, ये जो आदमी का मर्डर हुआ है, इसका जीन बैंक ये बता रहा है कि ये आगरा शहर के फला कस्बे के फला गाँव का बंदा है, पता चल जाएगा. लेकिन इसके क्रिमिनल जो है कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं. तो हर चीज का जो चीज बनती है हमेशा से जब से दुनिया बनी है, एक निगेटिव पहलू भी है तो एक पॉजिटिव पहलू भी, दोनों एक साथ होता है. लेकिन निगेटिविटी में पॉजिटिविटी को तलाशना हमें स्टूडेंट की पहचान. जो फेलियर बंदे होते हैं वो सिर्फ निगेटिविटी को देखते हैं और हम जैसे बंदे जो हैं हम आप सब क्या हैं, हम अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे. ठीक, जैसे कि मेरे कहने का मतलब है जब आप 180 क्वेश्चन लेकर के जब आप बैठेंगे, 180 क्वेश्चन में 90 तो बायो का होगा, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री का होगा 45-45. तो आपकी तैयारी देखिए, जिस जो बंदा ये कहता है मेरी 100% तैयारी है और उसका भी जब क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो पता ये चलता है उसने सिर्फ 90% क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या 95% सॉल्व किए हैं. बाकी के 5% जो क्वेश्चन अगर वो सॉल्व करेगा, हो सकता है वो तुक्के मारकर किया हो. तो कोई भी बंदा ये नहीं कहता कि मेरे पास 100% तैयारी है. एग्जाम देने से पहले कोई ये नहीं प्रेडिक्ट करता कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन. एग्जाम देने के बाद ही पता चलता है कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा. अकॉर्डिंगली जैसे जैसे उसने तैयारी की है, अगर उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन अगर आ गए बहुत बढ़िया है, तब वो तो शोएब आफ्ताब बन जाएगा 720 में से 720. ये पिछले 2 साल से तो हो रहा 720/720 आया. मार्क्स उससे पहले कहाँ आता था, कभी नहीं आया. इसी साल हुआ ना. अच्छा, इस साल दो बंदे, एक लड़की थी एक लड़का था. ठीक है, इससे पहले कल्पना कुमारी के नंबर आए थे कितने थे, 691 थे. 710 भी किसी का था, किसी का नहीं, नरेंद्र खंडेलवाल का. ठीक है, तो बेटा 100% तैयारी का कोई कहता है कि हो गई है मेरी, तो 100% कभी नहीं, वो अप्रॉक्स में रहता. आप तो जब तैयारी करने जाइए, एग्जाम में अटेम्प्ट करने जब जाएंगे, तो आपको क्या करना होगा कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप करिए, जो नहीं आ रहा उसके पर दिमाग ज्यादा मत लगाइए. पहले जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, फटाफट. पता ही चलता है कि आखिरी में आपके पास जो क्वेश्चन छूट रहे हैं वो क्वेश्चन यूनिटी के 15 क्वेश्चन छूट रहे हैं, 15 क्वेश्चन नहीं आ रहे केमिस्ट्री और बायो को मिलाकर. फिर आप उसको करिए कंसंट्रेट करिए था इसका आंसर क्या होगा, और पहले उस क्वेश्चन पर फोकस करिए जिसमें थोड़ी सी आपको लग रही है कि भाई यहाँ पर मान लो 50-50 का एक्यूरेसी थोड़ी सी है, मैं इसको कौन इसको जो है सॉल्व कर सकता हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिएगा. नहीं पता ये चला कि एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन में ही आपने 5 मिनट लगा दिया तो बाकी 15-20-25 क्वेश्चन का टाइम उसी क्वेश्चन में चला गया. तो इस चीज को थोड़ा होशियारी से काम करिएगा. तैयारी सभी करते हैं, स्ट्रेटेजी जिनकी अच्छी है वो क्रैक कर जाता है, स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए. तो ये जो था आपका, ये जो वर्ड है जेनेटिक, ये जेनेटिक्स है. जेनेटिक्स वर्ड किससे बना, जीन से बना. जीन डेरिवेटिव है, ये जीन से ये डेराइव हुआ है. ठीक है, मैंने क्या बताया, जीन क्या होता है, बताया पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. और ये जो जेनेटिक टर्म है, ये देखिएगा जेनेटिक टर्म जो है, ये जेनेटिक टर्म दिया था हमारे डब्लू बेटसन ने दिया था. ठीक है, जेनेटिक टर्म किसने दिया था, डब्लू बेटसन ने दिया था. डब्लू बेटसन ने दिया था 1905 में.
ठीक रे शुक्ला अच्छा एक अगली डेफिनेशन लिखिएगा बेटा क्या है हेरिडिटी। हेरिडिटी एक्चुअल में क्या है? हेरिडिटी में हम बात करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन लिख लीजिएगा। हेरिडिटी आपका क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हेरिडिटी इज अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है ये कैरेक्टर क्या होता है बेटा? कैरेक्टर विच कम्स फ्रॉम द जीन। ये जो कैरेक्टर है हमारे वो क्या होते हैं बेटा? कहाँ से आते हैं? वो आपके जीन से आते हैं। ठीक है तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका जीन है, ये आपका जीन है। फिर जीन का क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन हो सकता है। अब जीन एक्सप्रेशन जब होगा मतलब जीन का असर आपको दिखाई पड़ेगा। जीनोटिपिकली तो है ये जीन दिखा रहा है लेकिन इसका जो करेक्टर है जिसका जो असर है वो आपको कैसे दिखाई पड़ेगा? फिनोटिपिकली दिखाई पड़ेगा। ठीक है अगर हमारे माँ बाप नॉर्मल हैं उनको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है तो हम भी क्या दिखाई पड़ेंगे? नॉर्मल दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अगर हमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर अपियर होती है इसका मतलब हमारे माँ बाप के अंदर वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, या तो वो रिसेसिव मोड में है या डोमिनेंट मोड में। ठीक है तो वो जो हो रहा है जैसे हिमोफीलिया है, सेक्सुअल डिसीज में बहुत सारी डिसीजेज आती है तो हमें अपियर होता है। अब तो जो शादी ब्याह का माहौल चलता है उसमें ये भी बात जो पढ़े लिखे अब लोग समाज ज्यादा पढ़ा लिखा हो रहा है तो उनके अंदर ये अवेयरनेस आ रही है कि भाई शादी ब्याह से पहले आप अपने पार्टनर से, चाहे मेल पार्टनर चाहे फीमेल पार्टनर, तो पहले आप उससे ये जो है दरियाफ्त करिए, पूछिए कि आपके यहाँ कोई ऐसी डिसीज तो नहीं है, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो कि लीथल हो। नहीं पता ये चला कि 10 लाख रुपए शादी पर खर्चा कर रहे हो और 6 महीने के बाद 3 लाख रुपए तेरे ही पे खर्चे कर रहे हो। ठीक है तो ये सारी चीजें जो है थोड़ा सा देखना चाहिए। ये यूजेनिक्स में आता है, ये एक यूजेनिक्स में आता है। ठीक है तो हालांकि अभी हमारा समाज इतना ज्यादा अवेयर नहीं हुआ है, शहर हो गया क्योंकि अभी भी 60-70% आबादी कहाँ पर रहती है? गाँव में रहती है ना, कहाँ रहेगी ममता? पता नहीं मुझे। शिफाली गौरांगी सिद्धांत दीप्ति नेहा अधिक मेघा में चलिए बेटा एक्सप्रेशन होगा। जब एक्सप्रेशन होगा, जब एक्सप्रेशन होगा तब क्या दिखेगा आपको? डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये जीन का एक्सप्रेशन है किन बातों पर मेजोरिटी में डिपेंड करेगा? जीन का एक्सप्रेशन की डिपेंडेंसी किस पर होगी? ये जो जीन का एक्सप्रेशन है हमारा, देखिए ध्यान दीजिए, ये जीन का एक्सप्रेशन है हमारा या आपके इन्वायरमेंटल कैरेक्टर पर डिपेंड करता है, इंटरनल जो है इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। ये जीन का एक्सप्रेशन है। आगे आप पढ़ोगे कि ये जीन का एक्सप्रेशन किन किन बातों पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, जैसे एक्सरे है, एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सरे है, एक्सरे क्या करता है? म्यूटेशन करवा देता है हमारे जीन के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर म्यूटेशन होता है। और हालांकि म्यूटेशन इस तरीके से होता है कि पर्सन के अंदर स्टेरिलिटी कॉज हो जाती है। अल्ट्रावायलेट रेज है, ये जीन एक्सप्रेशन को जो है बाधित करता है, मतलब परेशान करता है। और बाहर का इन्वायरमेंट है, इसका भी असर जो है हमारे जीन पर पड़ता है।
तो जीन का एक्सप्रेशन जो होता है मोटा मोटी तौर पर अभी जान लीजिए कि जीन का एक्सप्रेशन है डिपेंडेंट ऑन, जीन एक्सप्रेशन डिपेंडेंट ऑन, अभी आप जनरल पढ़ रहे हैं, डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन, अब ये इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है एक्सटर्नल हो गया एंड सम इंटरनल फैक्टर, सम इंटरनल फैक्टर, ठीक है। अब और एक महत्वपूर्ण बात देखिए, नहीं ये तो बाहर का है ना, इंटरनल फैक्टर मतलब जो हमारे मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चलता है उसकी वजह से हो रहा है। आपके सिलेबस से मैंने टॉपिक छांट दिया है एनिमल किंगडम, क्योंकि हमारे पास इतने सारे चैप्टर खुद ही थे कि उससे हम 200 क्वेश्चन बना देते, तो हमें तो सिर्फ 90 ही बनाने, वो भी छांट के बनाने। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है। चलिए एक ये जो टर्म है इन टर्म से पहले आप परिचित हो जाइए कि एक्चुअल में वेरिएशन है क्या, वेरिएशन क्या है, वेरिएशन लिख लीजिएगा डिफरेंसेस विच एग्जिस्ट अमंगस्ट द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, डिफरेंसेस विच एग्जिस्ट, हाँ मैं बोल रहा हूँ डिफरेंसेस विच एग्जिस्ट अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज एंड द वेरिएशन इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशन इज द बेसिस ऑफ, इज द बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। क्योंकि एनसीईआरटी ने सिलेबस इस तरीके से जो है डिजाइन किया है, नहीं तो बच्चों को क्लास 10th में इवोल्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहिए, 10th से ही शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बिना इवोल्यूशन के किसी भी चीज की स्टडी करना बेकार है, बेसलेस है, सेंसलेस है, डॉक्टर ने कहा ही था, है कि नहीं। और डार्विन अंकल जब आए तो उन्होंने ये कह दिया कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, कोई भी चीज नई नहीं आई है, बस जो चीज हमारे पास थी उसी के अंदर क्या हुआ, टाइम टू टाइम उसके अंदर बदलाव होता गया, मॉडिफिकेशन होता गया और हमको नई चीज मिल गई। तो यहाँ पर वेरिएशन जो था इट इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। और कोई भी ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली आइडेंटिकल हो सकते हैं, जैसे आपका मोनोजाइगोटिक ट्विंस वगैरह है, ठीक है, मैंने बताया था एक जाइगोट है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में क्या हो जा रहा है, स्प्लिट हो जा रहा है। अब चूंकि मैमल्स के अंदर जो डिवीजन होता है क्लीवेज डिवीजन, वो कैसा होता है, डिटर्मिनेट तो होता नहीं, वो इनडिटर्मिनेट होता है, ठीक है। हर सेल के अंदर ये जो है पोटेंशियल होता है कि उससे नया ऑर्गेनिज्म बना ले। तो जब मोनोजाइगोटिक ट्विंस होगा वहां पर उनका जेनेटिक जो जीन होगा वो भी सेम होगा, ठीक है, उनके जो कैरेक्टर्स होंगे वो सेम होंगे, चाहे लड़का लड़का बनेगा चाहे लड़का लड़की बनेगी, वो लड़की लड़की बनेगी, लेकिन लड़का और लड़की दोनों एक साथ नहीं बनेंगे किसमें, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, क्योंकि जो जाइगोट है उसका जो कैरेक्टर है यानी कि उसका जो जेंडर है वो एट द टाइम ऑफ फ्यूजन तो डिसाइड हो ही चुका है कि फीमेल एग से क्या आ रहा है, रिलीज होने के बाद एक क्रोमोसोम आ रहा है उसके साथ और मेल के साथ ये एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है, तो एक्स वाला जुड़ जाएगा तो क्या आएगा, लड़की पैदा होगी, वाई वाला जुड़ेगा तो लड़का पैदा होगा। तो अगर इस जायगोट से अगर लड़की बन रही है तो लड़की लड़की ही बनेगी, दोनों लड़कियां रहेंगी, अगर बॉय का फॉर्मेशन हो रहा है मेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो लड़का लड़का ही बनेगा, मेल और फीमेल दोनों नहीं, डाइजाइगोटिक में दोनों हो जाएंगे, मेल मेल, मेल फीमेल, फीमेल फीमेल, कुछ भी हो सकता है,
पर दोनों एक जैसे नहीं दिखाई पड़े। कभी आपने देखा है कि जो भाई बहन जुड़वा है वो दोनों एक जैसे नहीं दिखाई पड़ते, वो दोनों एक जैसे नहीं दिखाई। लेकिन बहन ने देखो चिंकी मिंकी को देख, चिंकी मिंकी को देख आशीष कपिल शर्मा बिल्कुल सेम है ना, एग्जैक्ट कॉपी, वो मोनोजाइगोटिक ट्विन। हमारे यहाँ जो महेंद्र भैया काम करते हैं उनके जो बेटे हैं जुड़वा हैं बिल्कुल सेम टू सेम है, वो मोनोजाइगोटिक ट्विन। ठीक, तो जो ट्विंस होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, आपके आइडेंटिकल हो सकते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल हो सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर्स उनके अलग अलग होते हैं। ठीक है, सेम नहीं होते। तो ऑर्गेनिज्म कैन बी जेनेटिकल जेनेटिकली आइडेंटिकल बट नॉट द सेम। ठीक है, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, फादर ऑफ जेनेटिक कौन है? मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक, फादर ऑफ जेनेटिक। अच्छा, पहले में इतनी ईमानदारी थी कि अगर कहीं से इंस्पिरेशन मिलता तो हम उन्हें क्रेडिट देते थे, आजकल ऐसा नहीं है। आज की तो कॉपी राइट है, कट कॉपी पेस्ट किसी किया, अपना नाम लिखे लिखा, ऐसा लगता है कि हम ही सबसे बड़े विद्वान हैं। नहीं, अगर वो चाहते वो जो तीनों साइंटिस्ट थे, मेंडल के हाइपोथेसिस क्या थी, उनका पोस्टुलेट क्या था, बाद में उन्होंने मेंडल के नियम ही दे दिए, बता दिए उनके सामान ये मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, नहीं तो क्या होता, शेमाज के अलग नियम होते, ह्यूगो डिग्रीज के अलग होते है कि नहीं, कार्ल फोरेंस के अलग होते, सबके अपने अलग अलग नियम होते, सब ज्यादा और ज्यादा दिमाग हमारा खराब होता पढ़ाने में। जैसे मालथस ने वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स दिया, पढ़ा था इसके ऐसे को पढ़ा था ना, डार्विन के ऐसे को पढ़ा था, मालथस के ऐसे को डार्विन ने पढ़ा था, मैं उल्टा बोल गया। ठीक है, अब मालथस कहाँ है, डार्विन कहाँ है, और डार्विन इतना बढ़िया आदमी था, मैं बताऊँ आपको कि जिस उम्र में आप बैठे हो 18 साल की उम्र में HMS बीगल लेकर के गैलापागोस आइलैंड पर निकल गया। ठीक है, आपको ये बात पता है कि वास्को डी गामा और जो कोलंबस जो मैप फॉलो करते थे उसको किसी जो है अरेबिक दार्शनिक ने बनाया था, और उस वक्त उनके जो मैप हुआ करते थे वो उल्टे बनते थे, जैसे हम नॉर्थ और साउथ को करते थे ना, तो हमारे यहाँ कुछ रहता है जैसे वो लोग उल्टा बनाते थे, हमको लगता है इसीलिए वो लोग उल्टे डायरेक्शन में निकल गए थे, निकले थे अमेरिका की खोज करने, इंडिया की खोज करने पहुंच गया था वहां पर, अमेरिकन पहुंच गया, वहां के लोग देखा वाह देखे बोला था वाह इंडिया। फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे कौन है भाई, हमारे हैं ग्रेटर जॉन मेंडल, ग्रेटर जॉन मेंडल। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन, डब्ल्यू बेटसन। ठीक है, विलियम बेटसन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। अच्छा, कभी आपने ये पढ़ा दरअसल एनसीईआरटी देना, कभी गौर किया आपने कि हो सकता है कभी यहाँ से सवाल पूछ ले आपसे, ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और इधर जो कहानी लिखी हुई है, ये सर पढ़ते हैं ये वाली एनसीईआरटी, ये तो ये भाई और क्या। अब देखिए इसमें वॉटसन था और क्रिक, ठीक है, वॉटसन जो है 23 साल की उम्र में थे, 18 से 23 की उम्र में थे, और क्रिक की उम्र ज्यादा थी, दोनों ने मिल करके जो है डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया, तो थोड़ा पढ़ना मजा आएगा। और यहाँ के बच्चे बीएससी पास करते हैं कैसे पता है, कि मार्केट में 5 साल की बुक पड़ी होती है अनसॉल्व, उसको ले आते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट उसको पढ़ करके बीएससी पास करते हैं, और वहां के बच्चे बीएससी में डीएनए का डायग्राम वो बना रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है ना भाई, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, डब्ल्यू बेटसन, डब्ल्यू बेटसन, ये फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। अच्छा, इसमें जो टर्म्स हैं,
टर्म्स को आप जानते हैं, जेनेटिक टर्म आता है, एलील आता है, होमोजाइगस आता है, हेटरोजाइगस आता है, ठीक है, ये कुछ जनरल टर्म्स है। और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर किसे कहा जाता है? मॉर्गन। वेरी गुड बेटा, थॉमस हंट मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, और ये जो है टी एच मॉर्गन साहब, इन्होंने जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था वो आपका कौन है? ड्रोसोफिला मिलानो, ठीक है, टी एच मॉर्गन ने जिसके ऊपर किया था एक्सपेरिमेंट वो है आपकी ड्रोसोफिला मिलानो। उन्होंने कौन सा बुक दिया था? द थियोरी ऑफ जीन। टी एच मॉर्गन ने बुक दिया था, उसको हम बोलते हैं थियोरी ऑफ जीन। द नेक्स्ट इज दैट द टर्म्स गिवन बाय द मॉर्गन। मॉर्गन ने कौन कौन सा टर्म दिया था? अक्सर पूछ लेता है द टर्म given by Morgan, the term given by Morgan, Morgan ने कौन कौन से टर्म दिए थे? कौन से टर्म दिए थे भाई? एक दो basically तीन टर्म दिए थे। इन तीनों टर्म्स में नाम कौन कौन से थे? लिंकेज, टेस्ट लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, तीन टर्म दिए थे इन्होंने। पहला टर्म था लिंकेज, दूसरा था इसका सेक्स लिंकेज एंड द थर्ड वन इज रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन दूसरा टाइप का रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। बाप में बताइए एक बात, आओ ह्यूमन जेनेटिक्स के पिताजी कौन थे? इसके सर ह्यूमन जेनेटिक्स के पिताजी कौन? सर गेरार्ड, ए गेरार्ड। हाँ पुराना नहीं, यहाँ से वो पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ के लोग किताबों की विश्व किताबों की बात कर रहे हैं, ठीक है। फादर ऑफ, मदर ऑफ क्यों नहीं होता भाई? इसलिए कि पहले पुरुषों का ही वर्चस्व रहता था। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, एक चीज और खास बात जान लीजिए, जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे और जब आप यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो जो मैडम स्कीम बनेगी उनको भी सर मैडम, मैडम सर कहा जाता है, पता है क्यों? के पीछे का चलन यह है कि जो सर लोग होते हैं वो दबदबे वाले होते हैं, रुतबे वाले होते हैं। मैडम जो होता है, मैडम जो है सर की मैडम, सर की पत्नी को मैडम कहा जाता है। फिर बोला गया अगर जो है मैडम आईएएस ऑफिसर है तो वो मैडम सर है, तो उनके पति को क्या, पति को क्या कहा जाएगा? पति सर तो है ही, वो पैदाइशी सर है, ठीक है। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। अच्छा ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे, आपके छोटे मासूम से जो बच्चे होंगे या आपके जो है छोटे भाई बहन होंगे पूछ लेंगे, तो आप क्या जवाब दोगे? बोलो कि यार एनसीईआरटी में तो है ही नहीं। क्या बोलोगे? ये एनसीईआरटी में नहीं आता सिलेबस, फिर उसको देख के बताते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ लॉजिकल बातें होती है उसको जानना चाहिए। लेकिन मेरा मतलब ये मेरी गट फीलिंग कह रही है इस बार का जो पेपर आएगा नीट का ना वो इजी नहीं आता, बिल्कुल भी इजी नहीं आता, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल आएगा। और इस बार की मेरिट जो इस बार गई थी ना 690-670 के आसपास गई थी, ये नहीं जाएगी, इस बार कम है।
पढ़ेगी नहीं समझेगी, लेकिन पेपर का लेवल काफी हाई है क्योंकि दो बच्चों दो बार से बच्चों को मिला है लॉलीपॉप और बहुत खुश है। ये सब सारे बच्चे 720 में टॉप लिखते हैं, नहीं आना है किसी का। आपकी बोल गैर आप सोचो उस वक्त इतनी सुविधाएं नहीं थी कि बाद इन्होंने इतना सारा काम किया और हम खाली पढ़ नहीं पा रहे सारे सुविधा होते हुए। लाइट भी तो नहीं थी यार उस टाइम, काम हो रहा था। इन्होंने बताया था सबसे पहला जेनेटिक डिसऑर्डर ब्लैक यूरिन डिसीज़। सर मैंने कल ही पढ़ लिया था। कल ही पढ़ लिया था, बहुत अच्छा। आर्किबोल्ड गैरोट जो थे इन्होंने फर्स्ट डिसीज के बारे में बताया था, जेनेटिक डिसऑर्डर। देखिए एक बात आप सबको बता दें, यहाँ तक दिखती है हमारी सब बहुत अच्छे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट हमारी चलती भी है हमारी, तो ये बच्चे अभी क्लास 11th में है, ये बच्चे क्लास 11th में, तो 11th का सिलेबस इसका फिनिश करवा दिया है हम लोगों ने और 12th में इसको बैठाना शुरू किया। तो आप समझ सकते हैं कि अभी से जो बच्चा मेहनत कर रहा है तो आगे चल करके अच्छा कर सकता है, ईश्वर ने साथ दिया। फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर जो था इसको कहा गया ब्लैक यूरिन डिसीज। इसको ब्लैक यूरिन डिसीज इसलिए कह रहे थे क्योंकि इसमें जो एल्केप्टॉन था वो उसके एयर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो ब्लैकिश कलर का हो जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं ब्लैक यूरिन डिसीज कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं एल्केप्टोनूरिया, इनबॉर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म में आता है, ठीक है। और इन्होंने बुक ही लिखी थी, आर्किबोल्ड गैरोट साहब ने ये बुक लिखी थी, उस बुक का जो नाम था जो अभी हमने नाम लिया था, इन्होंने बुक लिखी और बुक को कहा गया नाम था उसका इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, इनबॉर्न Errors of metabolism. Involve error of metabolism. जो कंसेप्ट यहाँ पर जीन है सेगमेंट ऑफ द डीएनए, अगर इसके अंदर म्यूटेशन होता है तो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपका होता है। ये छोटा सा कंसेप्ट, हालांकि आगे चलकर के बाद में बहुत सारी डिस्कवरीज और की गई, लेकिन इनका जो मेन कंसेप्ट था आर्किबॉल्ड गैरोट साहब का, उन्होंने ये कहा कि एक म्यूटेंट जीन है तो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा। कंसेप्ट क्या था इनका, इनका कंसेप्ट था वन म्यूटेंट जीन, वन म्यूटेंट जीन, वन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। देखिए जब शुरू में आप चाहे अच्छी सही चीज हो चाहे गलत चीज हो, अगर आप पहले अपना रिजल्ट दिखाते हैं तो उसी बेसिस पर हम आगे काम कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगर ये अपने दिमाग में रखते हैं कि हम थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ रहे डायरेक्ट क्वेश्चन हम वही करेंगे एग्जाम में, तो उस बच्चे का इस जन्म में तो सिलेक्शन नहीं होना है, इस जन्म में सिलेक्शन उसका नहीं होना है, अगले जन्म में हो सकता है चमत्कार हो जाए उसके साथ, लेकिन इस जन्म में नहीं होना, क्योंकि मुंशी बनना आसान है सेठ बनना मुश्किल है। पुराने जमाने में मुंशी होते हैं लाला होते हैं, अच्छा हर वर्ग का पैसा कितना है 5,000 रुपया लिख लिया, अच्छा फलाने का पैसा कितना है 2,000 रुपया, अच्छा नेहा को हमने कितना दिया 2,00,000 रुपया, उनको कितना दिया सुखना 4,00,000, मुंशी को कुछ याद नहीं रहता है, बस इतना याद रहता है कि हाँ हमने आपको पैसा दिया है, जिस तरीके से आप कर रहे हैं हमने पढ़ा है
हमें याद है, पढ़ा है, अब जब क्वेश्चन करने का टाइम आता है अब तो मुंशी जैसे आपको आपका चेहरा देखे तो अच्छा अच्छा कुछ पैसा मैंने दिया था आपको, हाँ जिसको मैंने 5 लाख रुपया दिया, 2 लाख दिया, ब्याज नहीं बढ़ेगा क्या? ब्याज भी तो बढ़ेगा ना। चलिए अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ बेटा वेरिएशन की, थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, मेंडल के वर्क पर आता हूँ मैं थोड़ी देर में। पहले हम आपको बता दें वेरिएशन, तो आप हमें बता सकते हैं कि ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन जो वेरिएशन कॉज हुआ था या जो क्रॉसिंग ओवर हुआ था वो किस स्टेज पर हुआ था? बोलो भाई, मोबाइल सर F2 पे हुआ था। एक जीन एक एंजाइम, उन्होंने इसमें ये था जो एक जीन होता है वो एक एंजाइम के फंक्शन को रेगुलेट करता है, ये बात। अभी मैं जो ये पूछ रहा हूँ वो ये है कि जो वेरिएशन हम बताने जा रहे हैं, हालांकि मैंने बताया था क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये वेरिएशन होता है, ये क्रॉसिंग ओवर आपके मियोसिस के किस स्टेज पर हुई थी, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ स्टेज पर एकाइटिन मियोसिस फर्स्ट का पार्ट है या मियोसिस सेकेंड का पार्ट है? सिद्धांत तुमने पहले गलत सीक्वेंस बताया था, ठीक है तो तुम yes. ही रहो, ठीक है। मैंने बताया था लिटिल ज़ारा इन पिंक ड्रेस डाउन थी, लिटिल ज़ारा लैक्टोटीन ज़ारा ज़ाइगोटीन इन पिंक ड्रेस बिफोर पैकाइटीन, ठीक है। ड्रेस से आया डिप्लोटीन, फिर अगले डी से आया क्या डायकाइनेसिस, फिर मैंने ये भी बताया कि जब फीमेल के अंदर जो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, तो प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिन स्टेज पर आकर के अरेस्ट हुई थी, और ये अरेस्टेड स्टेज कब तक चली थी? कई सालों तक चली थी, प्यूबर्टी तक चली। एक बुक कह रही थी कि लेप्टोटिन स्टेज पर होता है, तो मैंने कहा गलत, मैं बुक नहीं कह सकता ना, बुक ऑथर के सामने था नहीं, तो मैंने बुक पे ही लिख दिया तुम गलत कह रही। हमारी तुम्हारा अधिकार अनुसार तुम गलत कह रही हो। अच्छा किताबों देखिए, किताब से हम सीखते हैं तो उसका जेंडर क्या डिफेक्ट है, फीमेल किताब कहता है नहीं किताब कहती है, वेरिएशन जो होता है वो चलिए ना। अब ये जो डिफरेंसेस, अभी इसे एग्जाम आपने डेफिनेशन लिखा था, क्या लिखा था कि डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट amongst the member of the same species, that is the variation, ठीक है। अब ये differences कैसे हो सकते हैं? Differences may be, variation में ये जो differences हमारे होंगे वो कैसे हो सकते हैं? Differences may be, कौन कौन से differences हो सकते हैं बेटा? पहला तो morphological हो सकता है, होगा कि नहीं होगा? पहला आपका morphological difference हो सकता है, दूसरा एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल बारी बारी से चलेंगे, सब्जेक्ट को आसान बनाना टेक्निकल नहीं। दूसरा आपका एनाटॉमिकल हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है बेटा? फिजियोलॉजिकल हो सकता है, जेनेटिक तो है, जेनेटिक की वजह से ही तो सब कुछ दिख रहा है बच्चा। तुम जो जेनेटिक जेनेटिक वेरिएशन की बात करते हो तो वो जेनेटिक वेरिएशन समझ में कहाँ आएगा? जेनेटिक वेरिएशन का इम्पैक्ट हमें फिनोटाइप में दिखेगा, उसकी मॉर्फोलॉजी में दिखेगा, उसके एनाटॉमी में दिखेगा, उसके बिहेवियर में दिखेगा, ठीक है, उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में दिखेगा। ये सब जो असर हमें दिखाई पड़ेगा, ये सारे जो वेरिएशन हमें दिखाई पड़ेंगे, ये सारे वेरिएशन ड्यू टू द जीन, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और थोड़ा सा और माइन्यूट लेवल पर आएंगे तब हम कह सकते हैं कि सेलुलर,
और फिर आप देखोगे बिहेवियरल, सेल्यूलर एंड बिहेवियरल। एनसीईआरटी की लाइन है पहली कि हाथी के बच्चे, हाथी जो है हाथी कोई भी पैदा करता, हाथी के बच्चे पैदा होते हैं, मैंगो से मैंगो निकलता है, ये सब आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी। इंसान जो है इंसान कोई पैदा करता है, इंसान ने कभी गधे को जन्म नहीं दिया, गधे ने कभी इंसान को जन्म नहीं दिया, बंदर ने कभी जो है लंगूर को जन्म नहीं दिया, लंगूर ने कभी बंदर को जन्म नहीं दिया। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये यहाँ पर जेनेटिक्स इन्वॉल्व होती है। और आपको मैंने बताया था कि जो गैमेट के बीच में इंटरेक्शन होता है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? स्पीसीज स्पेसिफिक होता है जब फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग के बीच में इंटरेक्शन होता है, तभी फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। ठीक है, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। जब फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग का फ्यूजन वो होता है, फ्यूजन मतलब वो होता है इंटरेक्शन होता है, तभी फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। और गैमेट के फ्यूजन के बाद मैंने बताया था जब प्रोटोप्लाज्म मिलेंगे तो प्लाज्मोगैमी कहलाएगा। जब प्लाज्मोगैमी होंगे तभी उसके बाद उसके फॉलोअप में एम्फीमिसिस और फेनोमेना चलेगा। जो दोनों क्रोमोसोम्स होंगे, इसके क्रोमोसोम और इसके क्रोमोसोम आपस में मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड द एम्फीमिसिस। ठीक है, ये तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है। चलिए, तो मैंने बताया वेरिएशन आर ऑलवेज प्रेजेंट, वेरिएशन जो होता है हमेशा प्रेजेंट रहता है और ये इसेंशियल है, स्पेशली किन ऑर्गेनिजम्स में जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जिनमें दो गैमेट आपके अलग अलग पेरेंट्स से आकर के मिलते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये जो वेरिएशन है, वेरिएशन के बारे में ये बहुत प्यारी बात है कि इट इज द रॉ मटीरियल, इट इज द रॉ मटीरियल फॉर द इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन का एक रॉ मटीरियल है। क्यों? क्योंकि बिना इसके इवोल्यूशन संभव नहीं, बिना इसके इवोल्यूशन संभव नहीं है। ठीक, रॉ मटीरियल समझते हैं ना, सरसों का तेल बनाने के लिए सरसों चाहिए, रोटी बनाने के लिए गेहूं चाहिए, गेहूं पैदा करने के लिए जमीन चाहिए और जमीन पे जाने के लिए हमें आग चाहिए। तो रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल क्या है? वेरिएशन जो है इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन एंड दिस द वेरिएशन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू मेजर पार्ट। तो ये जो वेरिएशन है इसको दो मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वेरिएशन को दो मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा वेरिएशन जो कि सोमैटिक होता है और एक ऐसा वेरिएशन जो कि जर्मिनल होता है। सोमा सोमैटिक वर्ड आया सोमा, सोमा का मतलब होता है बॉडी, बॉडी सेल्स के अंदर जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा, एक ही पर्सन के अंदर ही, इंडिविजुअल के अंदर ही कन्फाइंड करेगा। दैट टाइप ऑफ वेरिएशन कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। जो भी सोमैटिक वेरिएशन होते हैं वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर नहीं करेगा, लेकिन जो जर्मिनल वेरिएशन होगा वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा बाय द रिप्रोडक्शन, बाय द दिस प्रोसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सोमैटिक वेरिएशन है या जिसको हम सोमैटोजेनिक वेरिएशन कहते हैं, ये सोमैटिक सेल के अंदर होता है, ये लार्ज होगा और सिग्निफिकेंट होगा। सारी बातें मैं लिख देता हूँ कि एक है आपका सोमैटिक वेरिएशन, सोमैटिक वेरिएशन, इस सोमैटिक वेरिएशन को दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं सोमैटोजेनिक वेरिएशन। तो हम बोलते हैं बेटा सोमैटोजेनिक वेरिएशन, सोमैटोजेनिक वेरिएशन, दिस सोमैटोजेनिक वेरिएशन एंड द अनदर वेरिएशन इज जर्मिनल और ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन, जर्मिनल और ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन, जर्मिनल और ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। सारी वेरिएशन आप देख लीजिए, सोमैटिक वेरिएशन एंड जर्मिनल वेरिएशन। ठीक, तो इसके डिफरेंसेस एक साथ में हम लिखते हुए चलेंगे। करेक्ट,
पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे इसमें? इसे पहला पॉइंट होगा कि अकर्स इन सोमेटिक सेल्स एंड दिस अकर्स इन जर्मिनल सेल्स। बॉडी सेल्स होते हैं, गैमेट सेल्स के अलावा जो भी सेल्स आप देखते हो हमारे हमारे शरीर में किसी ऑर्गेनिजम्स में, वो उसका सोमेटिक सेल होता है। जैसे तुम्हारा हेयर सेल है सोमेटिक सेल। ठीक है, ये कहां पर होगा बच्चे? ये होगा अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। ठीक है, दिस अकर्स इन जर्मिनल सेल्स। जर्मिनल सेल्स, ठीक। दूसरा सोमैटिक सेल्स के अंदर है, ये कैसा होता है? लार्ज होता है, सिग्निफिकेंट होता है, लार्ज एंड सिग्निफिकेंट, लार्ज एंड सिग्निफिकेंट। अगली पॉइंट, दिस इज नॉन इनहेरिटेबल। ठीक है, नॉन इनहेरिटेबल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इट इज नॉन मतलब क्या हुआ इसका? इसका साफ जाहिर है कि सोमेटिक वेरिएशन का कोई रोल, कोई भी रोल इवोल्यूशन में प्ले नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देर इज नो रोल इन इवोल्यूशन। नो रोल इन इवोल्यूशन। जब इवोल्यूशन में इसका कोई रोल नहीं है और दूसरी चीज सोमेटिक है, नॉन इनहेरिटेबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाई बर्थ तो ये कैरेक्टर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर ये जो वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा वो आफ्टर बर्थ हमें देखने को मिलेगा। भाई माँ के पेट में थोड़ी हमें पता चल रहा है इसके अंदर क्या हुआ है, क्योंकि हम एम्नियोसेंटेसिस भी करेंगे तो हमें उसके जेनेटिक डिसऑर्डर का पता चलता है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स आफ्टर बर्थ, इसमें लिख सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स आफ्टर बर्थ, प्रोड्यूसर्स आफ्टर बर्थ, प्रोड्यूसर्स आफ्टर बर्थ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि अब जन्म का बाद पैदा हुआ है तो मृत्यु के साथ खत्म हो जाए। जब ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो इस टाइप के जो करेक्टर है वो कब तक रहेगा? जब तक हम जिंदा है, जब तक जिंदा है तब तक रहेगा, मरने के बाद खत्म, मतलब हमारा राज हमारे साथ ही चला। ठीक है ना, तो फिनिशर्स समझ सकते हैं, फिनिशर्स आफ्टर डेथ, मरने के बाद ही खत्म। दूसरी चीज, आपके अंदर ये जो सोमेटिक वेरिएशन होते हैं ये समवॉट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से आ सकते हैं, लेकिन कभी 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 जनरली एक्वायर्ड कैरेक्टर भी होते हैं। ये कैरेक्टर कैसे हैं? सोमेटिक वेरिएशन जो हम देखने को मिलता है, दिस इज द एक्वायर्ड कैरेक्टर, दिस इज द एक्वायर्ड कैरेक्टर, दिस इज द एक्वायर्ड कैरेक्टर। सारे चेंजेस आते क्यों? सोमेटिक वेरिएशन होता है एक ही पर्पस, सिर्फ एक पर्पस, फॉर बेटर सर्वाइवल, फॉर बेटर सर्वाइवल, फॉर बेटर सर्वाइवल। जितने भी चेंजेस आप देखते हैं ये किसके लिए? ये सब बेटर सर्वाइवल के लिए है। ठीक है, सब बेटर सर्वाइवल के लिए। अगला, ये जो जर्मिनल सेल्स हैं, जर्मिनल सेल्स के अंदर, जर्मिनल सेल्स के अंदर क्या बनेंगे बेटा? गैमेट का फॉर्मेशन होगा,
और ये गैमेट दो होंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दोनों फ्यूज होंगे, क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से क्या बनेगा बच्चे? न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन। अभी जो नया ऑर्गेनिज्म है ये जेनेटिकली क्या है? सेम नहीं है, जेनेटिकली वेरिएड है फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से ये जेनेटिकली थोड़ा सा वेरिएड है बिकॉज ऑफ वेरिएशन, बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग। ठीक, अगला पॉइंट है इसमें कि ये जो जर्मिनल सेल्स के अंदर जो जर्मिनल वेरिएशन होता है ये इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन साथ ही साथ जो है इसका जो मेन इसका पर्पज है वो ये है, ये इनहेरिटेबल होता है। क्या है? इनहेरिटेबल होता है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट तो है साथ साथ, लेकिन ये क्या करता है? ये आपका इनहेरिटेबल है। यह है इनहेरिटेबल, नॉन इनहेरिटेबल नहीं है, ये इनहेरिटेबल है। ठीक है, टाइम तो पता ही नहीं चला है। ये होता है जब अच्छा टॉपिक चलता है पता नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनहेरिटेबल है, और जैसा कि इसका सोमेटिक सेल का इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं था, लेकिन इसका रोल तो होगा ना, प्ले रोल इन द इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में इनका रोल होता है। तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द सोमेटिक सेल वेरिएशन एंड जर्माइनल सेल वेरिएशन। ठीक है बच्चा? यस। देखिए ये जो एडप्टेशन है, अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो वो तो सोमेटिक वेरिएशन, लेकिन जब आप उसी टाइम पर उसी जगह पर रहते हैं तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये जो जीन के ऊपर असर होता है, ठीक है, इसका इसके ऊपर आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी असर होता है। तो जिस इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से अगर जीन के ऊपर जो है असर हो जाएगा तो वो तो इनहेरिटेबल होगा, और अगर नहीं होगा तो वो कैसा हो जाएगा? वो नॉन इनहेरिटेबल होगा। जैसे बड़ी सिंपल सी बात है कि जैसे हम हाई अल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वहां पर हमें हाइपोक्सिया होता है, तो वो पर वो कैसे चेंजेस आते हैं? वो आपके परमानेंट चेंजेस नहीं होते, टेम्परेरी चेंजेस होते हैं। और हमारी बॉडी की सेल्स में जहां कहीं भी हाइपोक्सिया की कंडीशन आती है तो उसमें क्या होता है कि तुरंत हमारा एरिथ्रोपोइटिन का सिचुएशन बढ़ जाता है। ठीक, लेकिन जो हाई अल्टीट्यूड पर हमेशा रह रहे हैं उसका असर वहां पर मौजूद जो लोग हैं उनके जीन पर भी होता है, इसीलिए वहाँ के बच्चे जो हो रहे होते हैं वो हमारी तरह काले नहीं होते, वो इस वजह से वहाँ पर वेरिएशन हो चुका होता है। और ये वेरिएशन जो हो रहा है, ये जो अडेप्टेशन होता है वो एक से दो दिन का फिनोमिना नहीं है, उसको होने में करीब करीब हजारों साल लग जाते हैं। हाई अल्टीट्यूड पर रहने वाला बंदा कभी भी आपके प्लेइंग मोड पर ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करते या नहीं रह पाते। जैसे आप सिंपल सी बात है, पोलर बियर है वो वहाँ के इन्वायरमेंट के प्रति क्या है? फ्रेंडली। लेकिन अब उस आर्कटिक रीजन पर जो पोलर बियर उसको उठा करके तुम आगरा में लाओगे, एक दिन में नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। ठीक वैसे जैसे आप तो बहुत सारी गाय वगैरह का जो है आप पालन करते हैं, जैसे होलस्टीन फ्रीजियन गाय है, जर्सी काऊ है, ये सब गाय को अगर आप अपने यहाँ पर जब रखते हैं तो उनको आप वैसा ही टेम्परेचर और इन्वायरमेंट देते हैं जैसा कि उस देश में था, जैसे स्विट्जरलैंड की गाय है, वहां पर हमेशा टेम्परेचर कैसा होता है? नॉर्मल रहता है, नॉर्मल से भी कम रहता है, ठंड रहता है। इसीलिए ऐसी गाय को जब हम पालते हैं तो उसके तबेले में एसी लगानी पड़ती है। अगर क्या देखिए जिससे आप 30 लीटर 40 लीटर दूध आप गेन करते हैं वहां पर उसका इन्वायरमेंट कैसा रखते हैं? बहुत ठंडा रहता है। तो कुल मिला के ये हुआ कि इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से अगर इम्पैक्ट जीन के ऊपर आ रहा है जो कि बहुत देर में आता है, ठीक है, तो क्या होगा कि वो इनहेरिटेबल होगा। अगर इम्पैक्ट जीन पर नहीं आ रहा, सोमेटिक सेल पर आ रहा, तो वो इनहेरिटेबल नहीं। ठीक है, अब देखिए मेन रीजन फॉर द सोमेटिक वेरिएशन क्या होता है बेटा, लिख लीजिएगा। ये लेमार्किज्म वाली बात थोड़ी सी यहाँ पर सपोर्ट की जाती है कि जो मेन रीजन है
main reason for somatic variation. Somatic variation. क्या क्या हो सकते हैं इसके मेन रीजन, जिसको हम लेमार्किज्म से रिलेट कर लेते हैं. लेमार्किज्म ने क्या कहा, लेमार्किज्म ने कहा था यूज एंड डिस्यूज ऑफ अरबो डेवलप नहीं होगा बल्कि धीरे धीरे एक्सटिंग कर जाएगा. सर आपकी आवाज शुरू में बड़ी अच्छी लगी, लेकिन डार्विन ने क्या कहा, नहीं ऐसा नहीं है. जैसे जीरा फॉर एग्जाम्पल दिया था, लेमार्क ने बड़ा बढ़ जाएगा कहा था ऐसा है कि सब पहले मुंडी झुका के खाना खाते थे, घास खाते थे, लेकिन जब जमीन की घास खत्म हुई खाते खाते सब्जी अपनी गर्दन उचका के जो है पत्तियां खाने लगे, धीरे धीरे खाते खाते गर्दन लंबी हो गई. डार्विन ने क्या कहा, डार्विन ने कहा थे दोनों जमीन की घास खत्म हुई, जिसकी गर्दन ऊपर पहुंची वो सर्वाइव करता रहा, जिसकी नहीं पहुंची वो मर गया. एक्सप्लेनेशन दोनों का अलग अलग था, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, रिजल्ट जो थे. फिर बाद में कहा गया कि भाई ऐसा है, यूज एंड डिसीज वाली बात करते हो तो हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी हजारों जनरेशन से कान छिदवाते आए हैं, नाक छिदवाते आए हैं, लेकिन क्या होता है उनके बच्चे छिले हुए कान से थोड़ी पैदा होते हैं. भाई लड़का पैदा हुआ, चलो बेटिया पैदा हुआ, अरे भाई इसके कान में तो पहले से खुदा थे, चलो सोने की बारिश लग पहना, ऐसा नहीं है. हाँ, मुस्लिम्स और जीव में क्या होता है, सरकम सीजन होता है, जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो बाद में तो उनका सरकम सीजन करवाया जाता है. ऐसा तो नहीं कि पहले से जो है वो मुस्लिम पैदा हो रहे हैं, जीव पैदा हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. फिर उन्होंने कहा भाई लोहार का बेटवा लोहार थोड़ी पैदा होता है, कि पता चलता है ये टैक्स के साथ पैदा हो रहा है, पैदा होते ही साथ क्वेश्चन बना हुआ है, ऐसा नहीं है. ये सब एक्वायर्ड करेक्टर है, और ये जो एक्वायर्ड करेक्टर है वो सोमैटिक वेरिएशन. आप जिम में जितना मेहनत करेंगे आपकी मसल उतना बिल्डअप करेगी. हम जाते हैं कोई असर ही नहीं पड़ रहा है. ठीक है, मेन रीजन फॉर द सोमेटिक वेरिएशन में जिसको हम लेमार्किज्म कहते हैं, कौन क्या क्या होता है, इन्वायरमेंट का असर होता है, इन्वायरमेंट का असर होता है. दूसरा कौन सा असर होगा बेटा, यूज एंड डिसयूज, यूज एंड डिसयूज. तीसरा आपका कॉन्शियस एफर्ट, कॉन्शियस एफर्ट. अब आप जितने चाहो उतना पढ़ो, पढ़कर के डॉक्टर बनो, टॉप करो एम्स में जाने के बाद. अंडर ग्रेजुएट आपने टॉप किया, डिग्री गोल्ड मेडलिस्ट बन गए, फिर वहीं से आपने एमएस गोल्ड मेडलिस्ट किया. आपका बच्चा जब पैदा होगा तो जरूरी नहीं है तो आपकी तरह जीनियस हो सकता है अपने नाना के यहाँ से करेक्टर लेके आए, कुछ भी हो सकता है. बट इंटेलिजेंसी जो हमारे लिए डेवलप हो रही है, जेनेटिक तो होती है थोड़ा सा, बट उसको और ज्यादा जब हम पॉलिश करते हैं तो हमारे अंदर डेवलपमेंट आता है, और वो जो डेवलपमेंट आ रहा है वो सोमेटिक है, हमारे मन के साथ. तो अब आप कॉन्शियस एफर्ट से आप कितना ज्यादा अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, ये आपकी जो है मेंटल स्टेटस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, अब ये जो आपका जर्मिनल वेरिएशन है ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनहेरिटेंस में, तो जर्मिनल वेरिएशन जो होता है आपका दो टाइप का होता है. एक आपका होता है कंटिन्यूस वेरिएशन और दूसरा कौन सा होता है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन. ठीक है, तो लिख सकते हैं कि ये जो वेरिएशन आपका है जर्मिनल वेरिएशन स्पेशली, जर्मिनल वेरिएशन कैन बी of two types on the basis of mode of inheritance. किसके basis पर है, on the basis of mode of inheritance basis पर.
ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनहेरिटेंस बेसिस पर. एक है आपका कंटिन्यूअस वेरिएशन, दूसरा है आपका डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन. क्या मतलब होता है कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का? सर कंटिन्यूअस में शायद पूरी जिंदगी के लिए होता होगा, डिसकंटिन्यूअस में कुछ टाइम तक के लिए. बेटा जब एक लाइफ की बात आप कर रहे हो, एक जिंदगी की बात कर रहे हो, एक जिंदगी तो एक ही पीढ़ी तक या एक ही इंडिविजुअल तक सीमित है ना. यहाँ पर जब भी इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो वो जनरेशन की बात करते हैं. कंटिन्यूअस में क्या होगा, जनरेशन टू जनरेशन. डिसकंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यूटी नहीं, किसी में होगा किसी में नहीं होगा. आप कह सकते हैं कि अपीयर सडनली इन द एनी जनरेशन, कह सकते हो. ठीक है, तो इसमें पहले लिखते हैं कि तो मोस्ट कॉमन है, पहले चीज ये मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन है और ये कैसा है बच्चा, ये रेयर है. जैसे इस खानदान में सारे लोग निग्रोज हैं, काले 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 काले, और अचानक से वेरिएशन हुआ और वीडियो कैसे ना कैसी तरह हो, और अभी उसने डीएनए जांच नहीं करवाया है, उसका बाप क्या कहेगा, ये मेरी बेटी नहीं, क्या कहेगा वो, मेरी बेटी नहीं है. रोज वेरिएशन हुआ था, किसकी वजह से हुआ था, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, अचानक से सडनली अपीयर हो गया. फिर केस में हुआ, डीएनए जांच हुई, पता नहीं चला कि दूसरी बात हो गया, फिर अचंभा मिलेगा क्यों ऐसा हो, फिर डॉक्टर बताएगा, डॉक्टर टिश्यू प्लग को बताएगा कि बेटा ऐसा है कि यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन और जो कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन. ठीक है, तो लिख लीजिए, इसमें इस वाले में लिखिए था अपीयर्स इन एवरी जनरेशन, लिखिएगा अपीयर्स एवरी जनरेशन, अपीयर्स इन एवरी जनरेशन. ठीक है, दूसरे इसमें डिसकंटिन्यूअस में यह है कि अपीयर्स सडनली इन एनी जनरेशन. ठीक है, यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन में, लिखेगा कि स्मॉल चेंजेस ऑन बोथ मेल और फीमेल साइड, small changes on both male or female side on an average character, on an average character, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, fluctuation. अब दोनों variation जो हो रहे हैं, क्योंकि germinal है तो दोनों का role कहाँ पर होगा, evolution में होगा, definitely होगा. तो दे हैव रोल इन द इवोल्यूशन, इसका भी इवोल्यूशन में रोल है, इसका भी इवोल्यूशन में रोल है, लेकिन जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन आते हैं वो स्पेशली डिम्यूटेशन होता है, उसकी वजह से आता है. ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में लिखिएगा कि ड्यू टू म्यूटेशन, और एक म्यूटेशन को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इस फोर्स कहते हैं, और साल्टेशन. सर प्लीज रिपीट कर दो, आवाज नहीं आई. मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जो है वो ड्यू टू म्यूटेशन हो रहा है, और म्यूटेशन के दो और शब्द हैं, दो और टर्म हैं, एक को हम बोलते हैं स्पोर्ट. किसने दिया था स्पोर्ट का टर्म, नहीं याद,
एक होता है साल्टेशन, मैं भी स्किप कर रहा हूँ। गुड इवनिंग सर दिया था, ये गुड इवनिंग ने दिया था। अच्छा, और साल्टेशन किसने दिया था? सिद्धांत जवाब देगा लेकिन इधर का उधर करके देगा, यही वजह है कि इसका नंबर थोड़ा कम हो जाता है, वो परेशान हो जाता है डिग्री से कि डिग्री से। अब ये जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन दो टाइप का होता है, थोड़ा सा अंदर जाइएगा पता चलेगा। ये म्यूटेशन जो होता है दो टाइप का, सस्पेंशन होता है और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा आपका मेरिस्टिक होता है। एक है आपका सस्पेंशन और दूसरा होता है मेरिस्टिक। देखिए मेरिस्टिक वर्ड आया है मेरिस्टेम से, मेरिस्टेम में क्या होता है, इसका डिवीजन होता है। डिवीजन में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीजमेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरिस्टिक म्यूटेशन की बात करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू चेंज इन द नंबर, दैट इज रिलेटेड टू चेंज इन नंबर। ठीक है, मेरिस्टिक म्यूटेशन जो हो रहा है रिलेटेड टू चेंज इन नंबर, ये नंबर में चेंजेस को दर्शाता है। उसके बाद सब्सटेंशियल की बात करेंगे, तो सब्सटेंशियल वर्ड आता है किससे, अपीयरेंस से। यहाँ पर जो चेंजेस आपको दिखाई पड़ेगा रिलेटेड टू चेंज इन अपीयरेंस, यह है आपका रिलेटेड टू चेंज इन अपीयरेंस। Related to changing. इवोल्यूशन का वो था आपका कंटिन्यूअस क्या रोग लग गई स्टोर में रखा, ये टॉपिक आए बंद कर लो भैया, बंद कर लो, अपना माइक बंद कर लो, ये तो पिला रख दे, धोके रख, अच्छी धोके रख दो। Point is very important. Darwinism is based on. Point is that Darwinism is based on continuous germinal variation. Darwinism is based on continuous germinal variation, which is due to crossing over. Is due to crossing over or random mating, which is due to crossing over and random mating. दूसरे में जो मैं बताता था कि substantial discontinuous variation जो आपको दिख रहा है, इसमें मैंने बताया अपीयरेंस में बदलाव हुआ, चेंज इन अपीयरेंस। देखिए सर, ये क्या मैंने बताया, इधर इधर बताया चेंज इन अपीयरेंस। तो व्हाट अबाउट अपीयरेंस, अपीयरेंस में आपका आता है शेप, साइज, कलर, वेट, हाइट, ये सब क्या है, ठीक है। मेरिस्टिक रिलेटेड टू चेंज इन द नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे गेहूं है, ठीक है, गेहूं की जो बाली है, गेहूं की बाली समझते हैं ना, हाँ, जिसमें गेहूं के दाने आपको दिखाई पड़ते हैं, उनमें नंबर ऑफ ग्रेन्स का बढ़ना, नंबर ऑफ ग्रेन्स का कम होना, ठीक है, दैट इज अ चेंज इन नंबर, ठीक है। हाइड्रा की टेंटेकल्स का कम होना, हाइड्रा की टेंटेकल्स का बढ़ना, अर्थवर्म की बॉडी सेगमेंट्स का कम होना, बॉडी सेगमेंट्स का बढ़ना,
ठीक है। तो ये किससे है बेटा, किससे रिलेटेड है, ये आपका नंबर से रिलेटेड है, ठीक। अब किसी का शेप ज्यादा हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, किसी का शेप कम हो जा रहा है, तो ये तो नंबर से हम रिलेट नहीं कर सकते। किसी की साइज कैसी है, किसी का कलर कैसा है, किसी की हाइट कैसी है, किसी का वेट कैसा है, ये आप कैसे नंबर में काउंट होने वाले नहीं है। लेकिन जो आपका मेरिस्टिक होता है, आप लिख लीजिएगा उसमें मेरिस्टिक, जो आपका डिसकंटिन्यूअस वो है वेरिएशन है, उसमें क्या क्या आता है बेटा, जैसे नंबर ऑफ ग्रेन इन वीट, ठीक है, नंबर ऑफ टेंटिकल इन हाइड्रा, एंड नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट, नंबर ऑफ मेटामर्स लिखिए था ज्यादा अच्छी भाषा में, नंबर ऑफ मेटामर्स इन अर्थवॉर्म, नंबर ऑफ मेटामर इन अर्थवॉर्म, ठीक है। तो ये पूरी बातें हो गई, जैसे डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में सबस्टेंशियल मेरिस्टिक हमने बताया, ये आपका हो गया क्लियर, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा हेरिडिटी, हेरिडिटी हेरिडिटी। इस हेरिडिटी में कुछ जेनेटिकल टर्म्स हम जो है समझ लेते हैं क्या होते हैं, हेरिडिटी पढ़ने से पहले सम जेनेटिकल टर्म, क्योंकि बार बार यही यूज होगा, सम जेनेटिकल टर्म आपका बार बार यही यूज होगा। इस चैप्टर थोड़ा ज्यादा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा पीरियड हम छठे ग्रेड पांचवे ग्रेड में चौथे ग्रेड में लेकर चलेंगे। नंबर वन है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है बताइए, कैरेक्टर क्या होता है, बोल लो सर। एग्जांपल्स बताऊं सर, जैसे हमने एक वो ले लिया, एक ब्राउन कलर और एक ब्लैक कलर, तो हम ये कह सकते हैं ब्राउन और ब्लैक है, तो कलर इधर करेक्टर है एक। हमने कहा कि हर है कि नहीं है, नहीं पक गया, मैंने कहा ऋतिक की हाइट 5'8" है, जो हाइट को मैंने डिफाइन किया, मुझे हाइट बताई ना मैंने 5'8" से, अगर इसकी हाइट है तो मैंने हाइट जो बताई एग्जैक्ट बताई है, क्योंकि जो हाइट है ये भी इसका एक क्या कैरेक्टर है, कलर क्या है कैरेक्टर है। अभी जब हम पी प्लांट पढ़ेंगे तो पी प्लांट में बताएंगे पॉड का शेप क्या है कैरेक्टर है, पॉड का कलर क्या है, फ्लावर का कलर क्या है कैरेक्टर है, फ्लावर की पोजिशन क्या है एक्सियल है, ठीक है, या टर्मिनल है, ये सब क्या है कैरेक्टर है, ठीक है, हमारी नाक बड़ी है कि छोटी है कैरेक्टर है, ठीक है। जो चरित्र होता है वो बिहेवियर है, वो कैरेक्टर है। हमारी बायोलॉजी में मैंने बताया कि मल्टीप्लीकेशन और डिविजन दोनों कितने महान है, मैं पहले काट पीट के छोटा कर देंगे ना, हमारे यहाँ डिविजन होगा तब भी बढ़ता है, मल्टीप्लीकेशन होगा तब भी है, हम लोग बढ़ोतरी में विश्वास करते हैं घटाने में नहीं होते। तो कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर के बारे में जो बच्चे नहीं जानते वो लिख सकते हैं कि इट इज अ मेजर सिग्निफिकेंट मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन। क्या कहा मैंने, मैंने कहा कि इट इज अ मेजर सिग्निफिकेंट मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन, फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन विच इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, विच इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन, which is produced as a result of gene expression, gene expression, right.
ठीक है, ये तो था आपका कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं हाइट हो गया, कलर हो गया, पोजिशन ऑफ द फ्लावर हो गया। ठीक है, व्हाट इज द ट्रेट? कैरेक्टर का जो डिफरेंट फॉर्म आएगा, जैसे मैंने बताया हाइट, मैंने बताया क्या, ये हाइट, हाइट जो है ये है कैरेक्टर। हाइट क्या है? कैरेक्टर, कैरेक्टर, ठीक है, हाइट है कैरेक्टर। और हाइट के दो फॉर्म हो सकते हैं, या तो बंदा लंबा होगा या तो बंदा नाटा होगा। तो ये जो टॉलनेस एंड डॉर्फनेस का जो कैरेक्टर दिखता है, इसको हम एक्चुअल में कहते हैं ट्रेट। तो टॉल एंड डॉर्फ जो है, दैट इज द ट्रेट। इज इट क्लियर? यस सर। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड द ट्रेट। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ, अब कलर में, जैसे कलर में आप देख लो ना, कलर में तो आप लोग बहुत सारे लिख सकते, जैसे इन फ्रंट ऑफ बॉयज देयर आर ओनली वन पी, एंड इन द फ्रंट ऑफ गर्ल्स देयर आर लॉट्स ऑफ पी, बेबी पी, डार्क पिंक, लाइट पिंक, और कौन सा पिंक होता है? बेबी पिंक, बेबी पिंक, ये सारे पिंक होते हैं। बच्चे कंफ्यूज, लड़को तो वैसे ही कंफ्यूज। कभी आपको, मेरे साथ हुआ है, मैं अपने घर वालों के साथ, कभी मैं उनके साथ दुपट्टा मैचिंग करवाने गया हूँ। ठीक है, कैसे सूट है, सूट के साथ कभी कभी दुपट्टे नहीं मिलते, तो दुपट्टा मैचिंग करवाने गया हूँ। तो भाई मेरे, मैंने कहा ये कलर है, ग्रीन कलर का दिखता है, इसका दुपट्टा ये वाला लाइट ग्रीन है, ये वाला डार्क वाला ग्रीन है, ये डार्क में थोड़ा सा ब्लैकिश पन इसमें आ रहा है, इस सूट पे नहीं मिलता है। वो बोल 200 रुपये का दुपट्टा लेने के 20 मिनट खड़ा। हम उसके बाद फिर हम बने साल कभी गए, ये बहुत पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात है। हमने कहा भाई आप ही लोग कर लिया। तो कलर जो होता है, अब जैसे ये कलर है, हम कह रहे हैं ये पिंक है, ठीक है, पिंक कलर है ना ये? नहीं है, पिंक नहीं है, नहीं ब्लू नहीं है, ये ब्लू नहीं है, वॉयलेट भी नहीं है। ये पिंक और पर्पल को मिलाने के बाद जो कलर दिखाई पड़ता है वो ये है। तो इसका नाम क्या है वो बच्चियां बता सकती हैं। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा ब्लैक कलर, तो ब्लैक को कलर ही नहीं होता है, क्योंकि कलर तभी होता है जब वहां से लाइट रिफ्लेक्ट करके आपके आंखों पर पड़ती है और आप रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर ब्लैक होगा तो पूरी तरीके से उसको क्या करेगा, लाइट का ड्रॉप करेगा, वहां से लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं है। कलर, कलर में जैसे मान लीजिए आप कह सकते हैं ग्रीन कलर, आप कह सकते हैं येलो कलर, ये तो ग्रीन और येलो क्या हो गया, इसका ट्रेड हो गया। ग्रीन और येलो क्या हो गया, इसका ट्रेड हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका आता है जीन। जॉनसन ने कहा था इसको जीन, मेंडल अंकल ने क्या कहा था, फैक्टर, फैक्टर। ठीक है, ये याद रखना। अब मेंडल फैक्टर फैक्टर चिल्ला रहा था, अपनी अपना जो पब्लिश किया था उन्होंने ना, अपना अपनी जो थीसिस पब्लिश की थी उसमें उन्होंने फैक्टर फैक्टर खूब कहा था। लोगों को पता ही नहीं कि फैक्टर होता क्या है, बिल्कुल भी नहीं जानते थे फैक्टर क्या है। हालांकि मेंडल को भी नहीं पता था कि जीन होता है फैक्टर, बस उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये हमें अपीयरेंस दिखाई पड़ता है। ठीक, तो जीन कह लीजिए, जीन कह लीजिए या फैक्टर, फैक्टर, फैक्टर को एक नाम और से जानते हैं, एलिमेंट्री। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री फैक्टर्स और एलिमेंट्री, ELEMENTRY, एलिमेंट्री फैक्टर और एलिमेंट्री। जीन किसने कहा था? जॉनसन ने कहा था, और फैक्टर किसने कहा था? मेंडल ने कहा था। ठीक है, जीन क्या है, लिखिएगा जीन, आप समझ लीजिए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बस। And gene is a segment of DNA, that is, chemical nature of gene is DNA.
अंडर ब्रैकेट लिखिएगा जीन इज ए स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए विच जनरली फॉर्म आरएनए एंड प्रोटीन विच जनरली फॉर्म आरएनए एंड प्रोटीन मतलब वही सेंट्रल डॉग्मा वाली बात होगी। ये हमारा जीन है, जीन में क्या क्या बेटा डीएनए है, इससे क्या बनाया हमने आरएनए बनाया, और आरएनए से हमने क्या बनाया, आरएनए से हमने बनाया प्रोटीन, और जब ये प्रोटीन बन गया तब यहाँ पर कैरेक्टर क्या हो गया, अपीयर हो गया, कैरेक्टर अपीयर। कैरेक्टर अपीयर आपसे एक सवाल, जैसे मैंने कहा था ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, कहा था? यस सर, यस सर। तो क्या हम ये कह सकते हैं ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन? मैंने कहा ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन, ये सर कह सकते हैं क्योंकि जीन तो वो होगा ना जो एक्सप्रेस होगा। एक मिनट सिद्धार्थ, एक मिनट। हाँ ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि आप समझिए ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि जो जीन होता है वो फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लिए है, और जो आपका डीएनए है वो आपका केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को शो करता है, ठीक है। और एलील और एलील मॉर्फ, ठीक है, बस करेंगे। एलील बता दें, चलिए एलील लिख लीजिएगा। एलील और एलीलोमॉर्फ जो होता है ये बस लिख कर दिया गया, एलीलोमॉर्फ, एलील और एलीलोमॉर्फ। एलीली कहते हैं कुछ लोग इसको, हम इसको एलीली कहेंगे, और एलीलोमॉर्फ इट इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, इट इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑन जीन। Which is present on the same locus on the homologous pair of chromosomes, homologous pair of chromosomes, जैसे ये खुद एक क्रोमोसोम है, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जो हम लोग पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे सेम, यहाँ पर ये जो है ये क्या है हमारे एलील, सेम लोकस, लोकस सेम, लोकस क्या होगी सेम। तो क्या लिखा हमने, प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस ऑन द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम एंड रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ regulate the expression of different form of character, that is the trait. Gene किसको regulate कर रहा है, character को, allele किसको कर रहा है, trait को कर रहा है, ठीक है, trait। Gene क्या है, gene से क्या regulate करवा रहे हैं, character, ठीक। जीन से क्या बना, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन दैट इज कॉल्ड द एलील, और एलील क्या रेगुलेट कर रहा है बेटा,
बताइए ट्रेट कल आप लोग बताइए कि कल टेस्ट आप देंगे कल तो सैटरडे नॉर्मल कोई परसों की बात करते हैं बेटा चलते हैं डॉक्टर।